हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने छोटे छोटे से बर्तन बनाए हैं। यस, आप इन्हें देखकर अपने बचपन को याद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्ले लिया था, उससे छोटे छोटे से है ना मैंने किचन सेट बना लिया था। यहाँ पर मैंने है ना ज़्यादा बर्तन नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बन नहीं रहा है, क्योंकि है ना ये जो क्ले रहता है ना ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, मतलब जो सॉफ्ट ड्राई क्ले रहता है ना वो बहुत अच्छे से स्टिक होता है, लेकिन ये वाला जो क्ले रहता है ना ये थोड़ी प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं बनाए, कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पर है ना जो इसको आप क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ इसको सिलबट्टा बोलते हैं। इसमें हम है ना चटनी पीसते हैं, तो वो है। यहाँ पर मैंने ग्लास बनाया है, चूल्हा बनाया है, कढ़ाई बनाई है, चम्मच बनाई है, उसके बाद एक छोटी सी थाली बनाई है, और यहाँ पर इसको ओखली बोलते हैं शायद, वो भी बनाई है। और इन सबको बना के मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद आपके पास जेसू हो तो उससे उसकी कोटिंग कर दीजिएगा। मेरे पास जेसू नहीं था तो मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से उसको पेंट कर दिया था। सारे ही बर्तन को हम ऐसे पेंट कर देंगे व्हाइट कलर से, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हम कलर करेंगे ना वो जल्दी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कलर पे व्हाइट कलर की कोटिंग कर दी थी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कलर सारे बर्तन पे व्हाइट कलर की कोटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया था। यहाँ पर जितने में भी कलर यूज़ कर रही हूँ ना ये सारे एक्रेलिक कलर हैं, क्योंकि ये कलर जो रहते हैं ना ये बहुत बहुत प्यारे रहते हैं, तो आप भी एक्रेलिक कलर ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे ही जो भी बर्तन बनाए थे उन पे मैंने ब्राउन कलर कर दिया था, और ये प्यारा सा किचन सेट बनकर तैयार है। इन्हें देखकर आपको आपका बचपन ज़रूर याद आएगा। मेरा भी एक छोटी थी ना जब एक सपना हुआ करता था कि मैं भी कभी इस छोटे छोटे से बर्तन खुद के हाथ से बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बन चुका है, इस पर आप कभी खाना भी पका सकते हैं और कभी बचपन को याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता था पहले के ज़माने में, वो है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी थाली है, उसके साथ ग्लास है। ग्लास थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन चलता है। यहाँ पर देखिए एक बाउल है जिसमें मैंने एक चम्मच डाली है, और इसमें हम सूप पियेंगे, तो ये चम्मच भी वैसी ही दिख रही थी। उसके बाद यहाँ पर ये जिसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक याद है इसको ओखली बोलते हैं। तो इसमें है ना हम कुछ भी कूट सकते हैं, किसी को कूटना नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ मिर्च मसाले हम कूट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा होगा। इस बर्तन को रखने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि इस पर टिक ही नहीं रहा था, तो इसको मैंने नीचे उतार के रख दिया। उसके ऊपर एक ढक्कन है जिससे हम ढक सकते हैं। तो देखिए ये कितना प्यारा सा किचन सेट बनकर तैयार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसे देख रहे हैं तो अपने बचपन को एक बार ज़रूर याद करिएगा।